हम पर तीर लगते हैं, लग जाए, मशीदा पहुंच जाए। इधर जनाबे अब्बास लहर की तरफ गए, मैं दूसरे जहर से पौना हूं, तवज्जो कीजिएगा। उधर बच्चों बच्चों को जनाबे सकीना ने जमा किया। ए बच्चों, अब ज्यादा देर प्यासे नहीं रहोगे, मेरा चचा पानी ले लेंगे। दूर से बच्चों को आप चचा नजर नहीं आ रहे, अब सिर्फ अलम दिखाई दे रहा है। देखा बच्चों ने कि अलम वापस आ रहा है खैमों की तरफ। बच्चों का दिल बड़ा हो गया कि पानी ले लिया, अब चचा आ रहे हैं, अब अब्बास आ रहे हैं, कुछ देर में पानी आ जाएगा। अचानक देखते देखते क्या देखा, अलम को झटका लगा। अलम झटका लगा, बच्चों का दिल घबराया, लेकिन अलम फिर बुलंद हो गया। कुछ देर के बाद फिर अलम को झटका लगा, लेकिन अलम फिर बुलंद हो गया। बच्चों का दिल मुतमिना, तो मालूम है क्या हुआ, पहला झटका जब लगा तो दाहिना हाथ अलम हुआ, अलम को बाएं हाथ से संभाला। जब बाएं हाथ अलम हुआ तो मश के कस्बे को दाता में दबाया, अलम को या अलम गिरने न पाए। अगर अलम गिर गया तो बच्चों की ढालस टूट जाए। मतलब पहला घुटनों से दबा के कटे हुए हाथों से अलम को सीने से लगा लिया और ठोकरों से मारते हुए चले। मौला ने कहा कि मैंने देखा कि अब्बास के दोनों हाथ कट गए, लेकिन कोई ताकत अब्बास को रोक नहीं पा रही। मैं समझ गया कि यह मशकीजा लिए जा रहा है। अपने मजाम से मशकीजे पर तीर मारा, जब तीर लगा तो नाजी की आस टूट गई, पैरों के इशारे से घोड़े को मोड़ दिया, आंख में तीर लगा, चाहा के घुटनों से दबा के सर पर तीर लगा। अब अली के शेर से संभला न गया, घोड़े से जमीन पर, तीनों चीजें एक साथ हुई, मशकीजा गिरा, अलम गिरा, अब्बास गिरे। बच्चों ने देखा कि अलम सब कुछ हो गया, दामन फैला दिया, पर बच गया, मेरे सरदार की जय। बच्चे समझे कि अब्बास आ रहे हैं, लेकिन जब तराई से ऊपर आया आलम तो क्या देखा कि वो अब्बास के हाथों में आलम नहीं है, बल्कि मौला हुसैन के हाथों में आलम है। आखिरी मजलिस होगी, वो खत्म कर देता बस वो जुमले। और बच्चे सोचते हुए आए, मौला जब तक फौसले बढ़ गए, मौला बाबा चचा अब्बास कहां है। रावी के जुमले हैं, इमाम हुसैन कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ रो रहे हैं हुसैन, और कुछ कहना भी चाहते हैं तो मौला दंडकों को रोक देता है। आए आए दो अमल अंजाम दिए, दो अमल अंजाम दिए, खैमों के सामने अब्बास के आलम को लिटा दिया। जनाब अब्बास के खैमे में गए, बीच के अब्बास को फेंक दिया, खैमा बैठ गया। यानी बच्चों बीबिया बाहर आई तो क्या देखा, अलम जमीन पर लेटा हुआ, अपने आप को अलम से निपटा दिया। ए मेरे चादर के वारिस, इधर बीबिया अलम पर, उधर दुश्मन अब्बास के लाशे पर, कोई नैजा मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है। रोलिए आप, बहुत रोलिए, बस दो जुमले अजीजों। अब्बास का आलम आ गया, करबला खत्म हो गई। जब माल लुटने लगा तो जनाब अब्बास का आलम भी लूट लिया गया, लोग आलम को लेकर के चले गए। और जब लुटा हुआ माल यजीद के सामने पेश हुआ तो उसमें से जनाब अब्बास का आलम भी था। यजीद ने आलम को गौर से देखा, कहता ये बताओ ये आलम करबला में किसके हाथ में था, क्यों बता, किसके हाथ में था। यह आलम अब्बास के हाथ में था।
तबैत अल्लाह रे अब्बास, ए अब्बास बुराइयां तुमसे दूर है। क्या हुआ? तो पूरे आलम को देखो, कोई जगह सालिम नहीं है सवाए उसके जो जहां पर अब्बास पकड़े हुए थे। इसका मतलब यह है कि उस शख्स ने आखिरी वक्त तक अल्लाह को छोड़ा नहीं। बस आखिरी फिक्रा सुन ले, मजलिस तमाम। जब काफिला मदीने से चला था ना, तो आलम किसके हाथ में था? जनाब अब्बास के हाथ। जब इमाम सज्जाद को यजीद ने बुला करके रिहा कर दिया, तो जनाब ज़ैनब से इमाम सज्जाद ने आकर के बताया, तो वो भी अम्मा हमको इजाजत मिली है कि अख्तियार मिला है कि हम यहाँ रहे या मदीने जाए। तब मेरे लाल मदीने चलूंगी। यजीद से कहो एक मकान खाली करा दे, भैया को रोको लो। जनाब ज़ैनब उस मकान में आई, खूब रोई, खूब मातम हुआ। तीन दिन तक शाम की औरतों ने जनाब ज़ैनब को पुरसा दिया। कल जो औरतें तालियां बजा रही थी, ज़ैनब ने मजबूर कर दिया उन्हें पुरसा देने पर। उसके बाद कहती है, अब्बास सज्जाद इनसे कहो हमारे शहदा के सर वापस कर दें। एक एक सर वापस हुआ, हमारा लुटा हुआ माल वापस कर दे। इस तमाम हो गई, लुटा हुआ माल वापस कर दे। आप तो मालूम है, जब लुटा हुआ माल वापस हुआ तो सबसे आगे आगे क्या आया? अरे सबसे आगे आगे अब्बास का आलम आया। बच्चा ऐसे अमीर जो ही नजर आना पापड़ी
सा है।